इस हादसे में जान गंवाने वाले कुछ लोगों के जो शव हैं वो एटा तक ले जाए गए। यहाँ पर जो जिला अस्पताल है वहाँ 27 शव रखे गए हैं। ज्यादातर की पहचान हो चुकी है। ज्यादा जानकारी हमारी सहयोगी तनुष्का दे रही। मैं अभी एक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद हूँ और इसकी मॉर्चुरी पर मौजूद हूँ एटा में, जहाँ पर हाथरस के भगदड़ के बाद 27 शवों को यहाँ लाया गया था और यहाँ पर ही इन शवों की पहचान और पोस्टमार्टम हो रही थी, कल रात से हो रही थी। जहाँ पर बाकी सारे शवों की पहचान हो चुकी है और वहाँ के उनके परिवारजन ले गए हैं अपने परिवार के सदस्यों को जिनकी मृत्यु हो गई है। 6 शव अभी भी यहाँ पर बाकी हैं, यहाँ पर मौजूद है, जिसे डीप फ्रीजर में उन्हें रख दिया गया है ताकि जब तक उनकी पहचान ना हो जाए लोग आकर के, उनके परिवारजन आकर के देख सकते हैं कि ये उनके परिवारजन है कि नहीं। ऐसी ही एक महिला के साथ मैं मौजूद हूँ अभी। नमस्ते, आप अपना नाम बताएं और आप किसे ढूंढ रही हैं? मेरा नाम उर्मिला देवी है, मेरी लड़की है, बेटी। तो आपकी नातनी कितनी उम्र की है? 16 साल की। और आप उन्हें कब से ढूंढ रही हैं? कल तक ही ढूंढना है। कल आप सत्संग में आए थे, कहाँ से आए हो? अतरौली थे। अतरौली से आप दोनों आए थे? हाँ। अब तक वो आपको मिली नहीं है? नहीं मिली। आप कहाँ कहाँ अब तक घूम रहे हैं? अब कहाँ जाऊँ मैं, जहाँ बता देते हैं आप, जहाँ बताई जहाँ आए गए, जहूँ ना आए और वही सिकंदरे में देगी बहू ना आए, और पांडाल में ढूंढी, आवाज लगवाई, कहीं पता ना मिला। यहाँ पर आपने शव जो है जाके देखे, पहचान की? हाँ, पहचान करी। यहाँ तो लड़की है, बताई सो ना है वो, नहीं आपकी नातनी। अच्छा, तो अभी आप मतलब आप कब तक यही, कब तक कहाँ कहाँ और ढूंढोगे? कहाँ ढूंढूँ, यहाँ बता रहे वहीं जा रहे हैं। हाँ, अब कह रहे हैं कि हाथरस जाओ। आपके परिवारजन और कोई? जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर समस्या केवल सिर्फ गंभीर ही नहीं है, बहुत ही दुखद भी है कि यहाँ पर एक वृद्ध महिला अपनी नतनी को ढूंढ रही है। वो 16 साल की है और वो दर बदर इधर उधर भटक रही है अपनी नतनी की तलाश में कि कहाँ पर उनकी पहचान हो जाए, उनकी नतनी की पहचान हो जाए। तो यहाँ पर हाथरस से इस स्टैम्पीड के बाद, इस भगदड़ के बाद ऐसे ही कुछ हालात है हाथरस में भी, जहाँ पर परिवारजन और लोग बहुत ही निराश और चिंतित घूम रहे हैं अपने परिवार जनों को ढूंढने के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के संग तनुष्का दत्ता, NDTV इंडिया के लिए।